दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, आपको ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर कोई दुखी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा जो शिव पुराण का महा उपाय है, जो मैंने अपने पूज्य गुरु के मुख से शिव पुराण की कथा में सुना है, वही उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये उपाय माता अशोक सुंदरी का है। जो लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो अगर शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान जानते हैं कि ये स्थान कहाँ होता है तो बहुत अच्छा है, पर जो लोग नहीं जानते कि शिवलिंग पर अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, उनको इस उपाय के जरिए मैं बता दूंगी। तो आप उपाय जानने से पहले ये जान लीजिए कि अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पर कहाँ है। दोस्तों शिवलिंग के ऊपर जो एरो दिख रहा है, वही अशोक सुंदरी का स्थान है। दोस्तों जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उनको यदि पता चल जाए कि शिवलिंग पर जल ना चढ़ा के बल्कि शिवलिंग के इर्द गिर्द गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता गौरी का स्थान कहाँ है, अगर उस पर जल पहले चढ़ा दें उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो कोई भी मांगी मुराद पूरी हो जाती है। अगर ये स्थान आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इन सबका स्थान कहाँ होता है ये हमने बता दिया है। यदि आपको ढूंढने पर ना मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो अब अशोक सुंदरी माता का उपाय जान लेते हैं। देखिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा भी। आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र जो कटा फटा ना हो, और एक लीजिएगा लोटा, तांबा हो, स्टील हो, कोई भी लोटा हो। आप अपने बाएं हाथ में लोटे को पकड़िएगा और दाहिने हाथ में आपको एक बेलपत्र को पकड़ना है, ठीक है। फिर जब आप मंदिर पहुंचना तो अपने दाहिने हाथ में आप बेलपत्र रखना और बेलपत्र के ऊपर उस लोटे को रखिएगा, और लोटे में जरूर जल ले लेना, वो भी अपने घर से भरकर मंदिर ले जाना है। अब जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएं तो उस लोटे को बाएं हाथ में ले लेना और दाहिने हाथ से जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां बेलपत्र को चढ़ाइएगा। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, जो बेलपत्र पत्ती हो वो शिवलिंग की तरफ ही रहे, जैसे वीडियो में है। बेलपत्र चढ़ाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है वो कह देना है। अब लोटे के जल का क्या करना है, आप लोटे के जल को दाहिने हाथ में ले लेना और सबसे पहले जल अशोक सुंदरी के ऊपर जो बेलपत्र रखा है उसके ऊपर चढ़ाना है, थोड़ा सा, पूरा नहीं जल चढ़ाना, बस थोड़ा सा। उसके बाद शिवलिंग की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है और जो बचा जल है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाते जाना है, बस यही काम आपको करना है। अब आप पूछें कि किस दिन करना है, तो किसी भी दो सोमवार या तीन सोमवार लगातार करना है। आप सोमवार के दिन इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह कर ले चाहे शाम को, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन लगातार दो सोमवार या तीन सोमवार करना है। देखिएगा आपको इस उपाय से फायदा जरूर होगा। अशोक सुंदरी शंकर भगवान की पुत्री हैं। अगर आप उन पर बेलपत्र चढ़ाकर कोई अपनी समस्या कहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ आपकी बात ना माने, आपकी इच्छा ना पूरी करें। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो ऐसे उपाय करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, और दूसरों को भी ये उपाय शेयर करते रहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा से उनके दुख दूर हो जाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।